स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज के इस वीडियो में। और शाम को हम आज बात करने जा रहे हैं काफी सारे लेटर और काफी सारे राज्यों के बारे में, नए आदेश और नई सूचना आप लोगों के लिए आज हम लेकर के आए आज शाम के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी अच्छा है, कृपया सब भाई बहन लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। एक एक करके हम जितने भी लेटर हैं, जितनी भी जानकारी है, कहाँ कहाँ से और क्या वीडियो में आया है, पूरा वीडियो लास्ट तक आप सब भाई बहन देखिए। और उम्मीद करता हूँ पसंद जरूर आएगा, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल को अपनी दबा लीजिए। यह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे पास एक लेटर लगा हुआ है और इस लेटर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के संबंध में 30 तारीख का लेटर है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज के दिन का ही जारी किया हुआ लेटर। और मध्य प्रदेश की बहनों आपके लिए अभी अभी यह लेटर, जैसा कि देख सकते हो लिखा है, राज्य शासन के आदेश अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित सभी कार्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र 14 अप्रैल 2020 तक बंद रखे जाएं। तो यहां पर एक तरफ बाल विकास विभाग के अधिकारी ऊपर बैठे लेवल के कहते हैं कि जो है यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले नहीं जाएंगे, 14 अप्रैल तक के लिए बंद है। तो बंद का मतलब बंद होता है, यह नहीं कि जो है गांव गांव घूमे, आंगनबाड़ी काम करें, ये सब कुछ करें। तो यहां पर काफी दिक्कत है और काफी सारी बातें मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, अखबारों में क्या निकल के आ रहा है, हम उस ओर बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर के। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास एक लेटर आया, सबसे पहले हम जो भी आता जाएगा वो आपको दिखाते जाएंगे। कृपया समझ और बूझ को अपनी बढ़ा करके रखिए और देखते जाइए मैं क्या क्या और क्या कह रहा हूं। यहां पर सेवा में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जो सोनभद्र जनपद उत्तर प्रदेश में रॉबर्ट्सगंज से हैं, आप देख सकते हो यहां पर हमारी एक आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने अपने एक माह का मार्च महीने का पैसा जो है राहत कोष में दिया है, सरकार को राहत कोष में दिया है। सबने निवेदन है कि मैं जो है साधना विश्वकर्मा लिखा हुआ है, केंद्र जो है राजपुर वगैरह तृतीय में कार्यरत है बहन, और वो अपनी इच्छा से एक माह का मार्च का मानदेय सरकार राहत कोष में देना चाहती है। तो बहुत खुशी की बात है कि आंगनबाड़ी वर्कर अपनी इच्छा अनुसार वो देना चाहती है। जो बहन मैंने कहा था ना, जो अपनी इच्छा से देना चाहे वो दे स्वेच्छा से, और जो भी बहने पहले से बेचारी परेशान है उनको देने की जरूरत नहीं है। आगे आपको बताना चाहेंगे, यहां पर आपके आप देख सकते हो ये हमारे पास सहरुन्निसा बहन है, उन्होंने कुछ जानकारी भेजी है, जैसा कि आप देख सकते हो उनका यहां पर दरअसल ये एक मुद्दा है, ये कहना है, उत्तर प्रदेश की है हमारी बहन, और उन्होंने कहा है कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक साल पहले जो 1500 प्रोत्साहन राशि बढ़ाई थी, सभी को पता है अभी तक वो हर एक आंगनबाड़ी के खातों में नहीं पहुंची है, एक साल से ऊपर हो चुका। और जैसा कि आपको बता दूं ये काफी ज्यादा, लगभग 18,000 तक तो पहुंच ही गई होगी, आपको बताना चाहेंगे। तो यहां पर बहन का ये सब कुछ लिखा हुआ है, जितना कुछ भी जितना बनता हो, मुझे नहीं पता कितना बन रहा, मैं इतना कहना चाहूंगा जितने भी महीने हैं, जितना भी राशन यानी कि ये राशि हुई है प्रोत्साहन राशि, वो उसमें बहन कहती है कि एक दिन का सरकार काट ले हर आंगनबाड़ी का, और बाकी का जो है सरकार आंगनबाड़ी के खाते में भेज दे, उनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब है और मदद मिल पाएगी। तो यहां पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि आप 1500 जो कार्यकर्तियों के बढ़ाए गए थे वो समय पर नहीं मिले, और आज अगर मिले होते तो आंगनबाड़ी खुशी खुशी एक एक महीने का भी देने को तैयार हो जाती, लेकिन हमारी सरकार ने समय रहते जब आंगनबाड़ी ने आवाज लगाई अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर के, तो कभी मानदेय ढंग का बढ़ा नहीं। और आज अगर मानदेय बढ़ा होता, जो आंगनबाड़ी वर्कर कह रही है कि एक एक दिन का वो पैसा अपना काट करके दे देंगी, तो एक दिन की दिहाड़ी भी आंगनबाड़ी की ज्यादा होती और सरकार के पास मदद स्वरूप पैसा भी ज्यादा पहुंचता। आप सबको पता है पूरे देश में शायद जो है 60 लाख के करीब आंगनबाड़ी और मिनी आशा सभी बहने होंगी और आपकी सहायिका बहने, तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे बहुत काफी मदद हमारी सरकार को आंगनबाड़ी वर्कर से ही जो मिल सकती है, लेकिन सरकार को भी अपना जो है फर्ज निभाना पड़ेगा। आंगनबाड़ी वर्कर भी बहुत सी परेशान है, आर्थिक स्थिति खराब है, उनके लिए उनका जो मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है उसे भी भेजा जाए। बहुत सी आंगनबाड़ी ऐसी है जहाँ के डीपीओ सीडीपीओ सुपरवाइजर लापरवाह हैं, उनको नोटिस लिखती हैं कि हमारा मानदेय 3-3, 4-4 साल से बकाया है, और ऐसे में उनको सिर्फ वो लॉलीपॉप उनके अधिकारी देते हैं, काम तक उनका करा करके आंगनबाड़ी का नहीं देते। बहुत सी लोगों की बहुत तरह तरह की समस्याएं हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए एक तरफ अन्नदाता दूसरी तरफ अन्न खाता, तो यहां पर बेचारा जो किसान है वो दुबला पतला है, और जो मंदिरों के पुजारी हैं वो बैठ करके खाते हैं, आप देख लीजिए शरीर संभाले नहीं संभाल रहा है, बाहर निकल रहा है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे ये एक सच्चाई है अपने देश की,
कि अन्नदाता किसान कितना दुबला है और अन्न खाता जो मंदिर में बैठते हैं पुजारी लोग जिनको दान का चढ़ावा जाता है, आराम करते हैं, एसी की हवा खाते हैं। अब यहां पर कहना चाहूंगा, जब हमारा देश मुसीबत के संकट में, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद हाथ फैला रहे हैं देश के देशवासियों के सामने की मदद करिए, लोगों को खाना और उनके लिए दवाइयों का इंतजाम हो सके, तमाम सुविधाओं की जरूरत इस समय पड़ेगी, अस्पताल बन रहे हैं अचानक में और तमाम चीजों को अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारा पैसा भी लगेगा। अब इसके लिए लोग बाग मदद कर रहे हैं, तो क्या मंदिर में जो भरा पैसा है वो जरूरी नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ कितना दे रहे हैं, जितना भी है टोटल का टोटल खजाना सरकार के आगे उनको खोलना चाहिए, जो भी है वो सारा का सारा देना चाहिए। जिंदगी बची रहेगी, जीवन बचा रहेगा, मानव जीवन बचा रहेगा, तो श्रद्धा और ये जो लोगों का विश्वास है भगवान पर, फिर से चढ़ावा आएगा और फिर से वही स्थिति मंदिरों की बनी रहेगी। आगे आपको बताना चाहेंगे, आगे हमारे पास एक लेटर ये लगा हुआ है, 29 मार्च का है, कल के दिन जो है बुलंदशहर में जारी किया गया। इस लेटर पर अभी हम आएंगे, आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जारी किया हुआ एक लेटर। चलिए शुरू करते हैं, बताते ही चले जाते हैं लाइन से क्या क्या सब कुछ है। यहाँ पर बुलंदशहर में कोरोना का मरीज सामने आया है, जैसा कि देख सकते हो आइसोलेटेड आश्रय स्थल में उसको रखा जाना है बुलंदशहर में, और ये गांव का मामला है आपको बता दूं। तो ऐसे में जो लोग बाहर से भाग करके आ रहे हैं, सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों का इंतजाम ग्राम प्रधान अपने जो है गांव के बाहर नजदीकी जो आपके स्वास्थ्य विभाग वाले मान लीजिए कोई अस्पताल टाइप का है वहां करें, या सरकारी भवन कह सकते हैं साफ तौर पर, सरकारी भवन में कोई भी आएगा और उनमें इंतजाम करिए, लोगों को जो है खाने पीने की सुविधा भी मिलती रहेगी गांव वालों की तरफ से। तो ऐसे में ये सब कुछ जब तक नहीं होता होगा तब तक हम लोग जो है इस पर काबू नहीं पा सकते। तो 14 दिन तक लोगों को क्वारंटीन करके रखना है गांव के बाहर, गांव के अंदर घरों में नहीं लाना है, अन्यथा संक्रमण बढ़ता ही रहेगा। 14 दिन यदि इंसान सही रहता है तो वो घर आए, ऐसे में ये बहुत जरूरी आप लोगों के लिए सूचना है। अब बुलंदशहर में एक मामला सामने संक्रमण का आया है, जिसके चलते काफी लोग यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। अतुल शर्मा के परिवार में बता रहे 8 सदस्य हैं, खुर्जा स्थित हैं, और वो भी जो है उन लोगों को भी क्वारंटाइन केयर कर दिया गया। आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, कोरोना नहीं होता। अब यहाँ पर हम कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे, कुछ 4 लाइनें लिखी हुई, जैसे हर चमकती चीज का मतलब सोना नहीं होता, वैसे हर एक छींक का मतलब कोरोना नहीं होता। केवल पानी से हाथ धोना नहीं होता, 20 सेकेंड साबुन से हाथ धोने पर कोरोना नहीं होता। ऐसे खतरनाक वायरस का इलाज जादू टोना नहीं होता, सावधानी साफ सफाई रखने से कोरोना नहीं होता। जागरूकता जानकारी रखने वालों को बाद में रोना नहीं होता, भीड़ भाड़ से दूर रहने पर कोरोना नहीं होता। घर से बाहर जाना और लोगों से हाथ मिलाना नहीं होता, क्योंकि नमस्कार करने वालों को कोरोना नहीं होता। महामारी के दौर में बस हमें धैर्य खोना नहीं होता, सैनिटाइजर मास्क के प्रयोग से कोरोना नहीं होता। समय रहते सचेत होंगे तो अपनों को खोना नहीं होता, रोगी स्वयं आइसोलेट हो जाए तो औरों को कोरोना नहीं होता। बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, यही तो समझाना चाहते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जिम्मेदार बनिए, अपने परिवार की रक्षा आपके हाथों में, यदि आप बाहर से आ रहे हैं आप संक्रमित हो सकते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग बाहर रहें। सरकार एक एक का एक बार में जो चेकअप भी नहीं कर सकती, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं अपने यहाँ की तेज नहीं है, और तेज का मतलब ये नहीं कि कुछ किया नहीं जा सकता, तेज का मतलब ये है कि आबादी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ कंट्रोल में नहीं आएगा। आप सब समझबूझ दिखाएं, 14 दिन आपको यदि बाहर आप गुजार लेंगे घर से बाहर जो आपके सरकारी भवन है, तो वहां पर यदि आपके ऊपर संक्रमण का असर होगा तो वहीं से आपको जो है स्वास्थ्य विभाग वाले ले जाएंगे और आपका शायद इलाज हो जाएगा। अब ऐसे में हर किसी का टेस्ट नहीं हो सकता ना, तो यही एक हम लोगों के पास उपाय है, चारा है। तमाम देशों में क्या चल रहा है सब कोई देख रहा है, और व्हाट्सएप पर हम समय समय पर जो है अपडेट भी डालते रहते हैं। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे, देख सकते हो, शत्रु ये अदृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, कर न भूल तू जरा भी ना फिसल, मत निकल मत निकल मत निकल, इस तरह से कुछ लाइनें लिखी हुई है। हिला रखा है विश्व को, रुला रखा है विश्व को, फूंक कर बढ़ा कदम जरा संभल, मत निकल मत निकल मत निकल, और उठा जो एक गलत कदम कितनों का घुटेगा दम, तेरी जरा सी भूल से देश जाएगा दहल, मत निकल मत निकल मत निकल। आगे लिखा है, संतुलित व्यवहार कर बंद तू किवाड़ कर, घर में बैठ इतना भी ना तू मचल, और मत निकल मत निकल। जिन लोगों को तलब लगी है ना बाहर जाने की, कोई कहता है तंबाकू नहीं मिले, कोई कहता है मसाला नहीं मिला, कोई किसी को दारू की पड़ी है, कोई जो है बहाने से जा रहा है घूमने के लिए, कहता है राशन ही ले आएंगे, और भले ही कुछ ना लेना हो फिर भी वो जा रहे हैं घूमते हुए, कह रहे हैं राशन लेने जा रहे हैं, ये सब कुछ मत करिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हमारे पास वीडियो आ रहे हैं जहां पर उनके घर में राशन पानी खूब भर करके उन्होंने रख लिया है, फिर भी प्रशासन को फोन करते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं
कि हमारे घर में जो है खाने पीने के लिए नहीं है, ऐसे भी हमारे पास वीडियो आ रहे हैं। पुलिस वाले उनके घर जाते हैं, देखते हैं उनके घर में राशन पानी सब भरा रखा है, तो यहाँ पर काफी कष्ट होता है। एक तरफ प्रशासन किस किस को संभाले, पुलिस कर्मियों की मैं हालत इस समय देख रहा हूँ बेचारों की। वो घर से बाहर जो सड़कों पर जहां पर वो सो रहे हैं ना, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा वो कैसे सो रहे हैं। मच्छर इस समय, आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, घर के बाहर जरा निकल कर बैठिए और देखिए, घर के अंदर ही या छत पर चले जाइए, छत पर जाएंगे शायद मच्छर कम लगे, लेकिन नीचे आप देखते होंगे खुला होगा अगर आपके वहां पर, तो मच्छर बहुत लगते हैं। ऐसे में वो लोग बाहर सोते हैं। एक फोटो आई थी हमारे पास, उसमें उस पुलिस कर्मी के हाथ पर इतने ज्यादा मच्छर थे, आप गिन नहीं सकते थे, ये याद रखना, गिन नहीं सकते थे आप, एक हाथ पर इतने मच्छर थे। अब ऐसे में वो लोग कोरोना से भले ना मरे, लेकिन यहाँ पर मच्छर का जो ये एक तरह का इलाज वायरस टाइप का रहेगा, यानी कि प्रदूषण रहेगा मच्छरों का, जो काट काट करके डेंगू फैलाएंगे, बीमारी फैलाएंगे कह सकते, तो ये जो बीमारी फैलाएंगे ना, ये इससे काफी प्रभाव पड़ेगा बेचारों पर। और ऊपर से वो सो नहीं पाते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और फिर भी आप लोग यदि उनको बेवजह ऐसे कामों के लिए बुलाएं कि हमारे घर में राशन नहीं है और राशन आपने भर करके रखा है, या हो सकता है बहुत से लोग ये भी करें, जो लोग दान दे रहे हैं ना बाहर निकल करके, लोगों को बांट रहे हैं राशन पानी, वहां पर भी बहुत से लोग जो है होशियारी दिखा रहे हैं, जाकर के राशन खूब घर में भर भर करके दान वाला रख रहे हैं। ये भी मत करिए, जो गरीब है, जो भूखे हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं हमारे पास, काफी सारी बहनों ने जो है फोटो भेजी है, वीडियो भेजे हैं, जिसमें वो लोग जो है अपने घर में पूड़ी वगैरह, सब्जी वगैरह बना करके पैकेट पन्नी में पैक करके लोगों को खिलाने के लिए ले जा रहे हैं। और इसमें यह नहीं है कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है, हर एक जो है बंदा अपना पूरा फर्ज अदा कर रहा है। तो यहाँ पर जो होते हैं ना अपवाद स्वरूप, वो हर एक जो है कौम में आपको मिल जाएंगे, हिंदू में भी मिल जाएंगे, मुस्लिम में भी मिल जाएंगे। इसीलिए हमेशा कहता रहता हूँ, किसी एक को देख करके पूरी कौम को जो है दोष नहीं देना चाहिए कभी भी। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे मुस्लिम भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारे वीडियो भी भेजे और काफ़ी सारी जो है मदद भी कर रहे हैं, अपने घर में पूड़ी वगैरह बनाई जा रही है उनके, और पन्नी में पैक करके लोगों को वितरित की जा रही है। हर कोई जो अच्छा है, जो समझदार है, जागरूक है और इंसानियत जिसके अंदर है, वो ये मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म के हैं, वो आगे बढ़ रहा है और अपने हाथों को जो है बढ़ा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। आगे चलते, फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जारी किया हुआ 27 मार्च का एक लेटर है, जिसमें आइए आपको हम दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। बताया जा रहा है श्वसन संक्रमण रोग दुनिया भर में इस समय फैल रहा है, ये जो आपका सांस श्वसन वाला, और ये कोरोना का ही एक लक्षण है। और जैसा कि देख सकते हो, भारत में विभिन्न राज्यों में इस संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, और सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने का भरपूर जो है प्रयास भी कर रही है। एक जो है फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में इसे फैलने से रोकने की महत्वपूर्ण जो है भूमिका वगैरह है, ये निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश का है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आप लोगों के विभाग ने ये लेटर जारी किया, इसमें लिखा है कि संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रबंधन में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की भूमिका हेतु जो दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित करें और जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को अपने स्तर से अवगत कराते हुए संलग्न दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत से वर्कर, चाहे आपके डॉक्टर हों, पुलिसकर्मी हों, आंगनबाड़ी वर्कर हों, आंगनबाड़ी वर्कर का तो कभी नाम भी नहीं होता, लेकिन काम सबसे ज्यादा उनका ही होता है। घर घर जाओ, आगे से आगे लोगों की जो है देख रेख करो और क्या सब कुछ चल रहा है पूरा जो है आकलन करो, और पूरा यानी कि एक तरह से कह सकते हो मरीजों के साथ उनको रहना पड़ता है। उन्हें यह तक नहीं पता होता कि कौन संक्रमित है या नहीं, और ऐसे में उनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों को अलग थलग करने में, पहचान करने में और स्वास्थ्य सुविधाएं जागरूकता फैलाने में। तो बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी वर्कर के कंधों पर हर एक राज्य में इस समय पड़ी हुई है। और जैसा कि आप जानते हो, आंगनबाड़ी वर्कर समाज सेविका है ऐसा बोल करके जो है उनको भगा दिया जाता है। जब जब उन्होंने धरना किया, उनके ऊपर सरकारों ने लाठी भी चलाई और कभी भी मानदेय उनका ढंग का सरकारों ने नहीं बढ़ाया। कोई भी सरकार आए, हर एक सरकार एक जैसी है, किसी ने पैसा नहीं बढ़ाया। यहां पर बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मन को जो है दुख लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना धरना किया, फिर भी जो है सरकारों ने नहीं सुना। और आज आप देख रहे हैं वही आंगनबाड़ी वर्कर मैदान में आगे आगे अपनी भूमिका निभा रही हैं, और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर भी आंगनबाड़ी का कोई नाम नहीं होगा। और अभी भी आप देख रहे हो आंगनबाड़ी का कहीं भी कोई नाम तक नहीं लेता कि वो भी जिम्मेदारी अपनी समाज में निभा रही हैं। तो यहाँ पर जब जब यही बातें जो है कष्टदायी होती हैं, समझना है हमारे पूरे देश को। वीडियो इसीलिए मैं बनाता हूँ, आप लोगों को भेजता हूँ कि आप सब जो है फैलाएं, अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि ये वर्कर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सरकार इनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है उनको भी इंतजाम करने चाहिए। ना ही मास्क है, ना ही सैनिटाइजर है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, ना ही उनके परिवार के लिए आगे के लिए सरकार ने कुछ सोचा, और बाल विकास हमारे विभाग ने आंगनबाड़ी को उस काम में लगा दिया। कभी भी बाल विकास विभाग सरकार से दलीलें तक नहीं करता कि हमारे विभाग में कर्मचारी सबसे निचले पायदान पर हैं, दैनिक मजदूरी भी इनको नहीं मिलती है, क्या
बाल विकास विभाग को ऊपर ये चीजें अपना प्रस्ताव लेकर के सरकारों के पास मेहनत नहीं करनी चाहिए, कि आगे जाना नहीं चाहिए कि आंगनबाड़ी वर्कर का भी मानदेय बढ़ाया जाए, इनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, क्योंकि ये हर एक क्षेत्र में अपना योगदान बराबर देती हैं। तो कभी भी कोई भी अधिकारी ये नहीं करता, अधिकारी घर में बैठ करके ऑर्डर मार देते हैं और निचले कर्मचारियों को मेहनत करनी पड़ती है। मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं जान है तो जहान है, बहुत से आंगनबाड़ी वर्कर पालन भी करें, उनका कहना है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, नौकरी रहे या जाए, हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि आज तक सर जो हमें कुछ मिला नहीं, हम लोगों ने कुछ अपने लिए आवाज उठाई तो हमें सिर्फ डंडे मिले, तो आज हम लोग आगे आगे जाकर के सब कुछ क्यों करें। हमारे लिए अभी भी सरकार ने कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, ना ही चार शब्द हमारे लिए बोले, और फिर भी हम लोग जो अपनी भूमिका निभाए यहां पर, तो ये गलत है। आगे आप देख सकते हो फर्स्ट एवर लॉकडाउन, जैसा कि आप देख सकते हो रामायण का एक सीन है और यहां पर लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी। अब यहां पर सभी को देखना है, समझना है, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, कहा था कि बाहर नहीं निकलना, हम शिकार पर जा रहे हैं। वो शिकार पर गए थे और माता सीता जी जो है वो अपना रेखा तोड़ करके बाहर आती हैं भिक्षा देने के लिए। रावण आता है भिक्षा वगैरह लेने के लिए, कहता है कि जो है भिक्षा दीजिए, और साधु बनकर के आता है। तो माता जी जो है दयावान होती हैं और वो भिक्षा देने के लिए बाहर निकल करके लक्ष्मण रेखा पार करके चली आती हैं। और तो ऐसे में यदि वो अंदर रहती तो वो सुरक्षित रहती, क्योंकि रावण उसको लांग करके अंदर नहीं जा सकता था घर के अंदर, वो बाहर जब तक नहीं आती तब तक। तो यही सिचुएशन कुछ आज के समय में भी है, आपके घरों के सामने लक्ष्मण रेखा खिंच चुकी है और आप लोग यदि बाहर जाएंगे तो संक्रमण लेकर के आएंगे। और वहां पर तो जो है रावण था तो राम भगवान ने उनको बचा लिया, और यहाँ पर जो है ये कोरोना है, इससे आपको कौन बचाएगा, अभी इसके लिए वैक्सीन तक नहीं है, ये याद रखना। तो आप लोग खुद इसका जो है फैसला अपने आप अपने अंदर करिए। आगे देख सकते हो बगैर मास्क और दस्ताने, आप देख सकते हो कुछ भी आंगनबाड़ी को नहीं दिया जा रहा है और फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैदान में है। विभाग के अफसरों ने कहा कि हमें पता नहीं, बताइए हमारे विभाग के अफसर ही कह रहे हैं, ये मध्य प्रदेश भोपाल में ही छपी खबर है, वहां के अधिकारी जो कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, नीचे आंगनबाड़ी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब अधिकारी को पता ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेटर कैसे जारी होते हैं और कैसे आंगनबाड़ी को आदेश आ जाता है कि आंगनबाड़ी ये काम करें, और आंगनबाड़ी काम भी करना स्टार्ट कर देती है। तो एक अपने आप में एक सवाल है, घर घर जाकर देनी है समझाइश इन कर्मचारियों को, दूसरे प्रदेश जिले या शहर से आने वाले लोगों का हिसाब रखना है और उनकी रोड प्रशासन को सूचना देनी है, घर घर जाकर लोगों को कोरोना कितना खतरनाक है यह बताना है और उन्हें जो है घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश देना है। इन कर्मचारियों को रोज पंचायत क्षेत्र के सभी ग्रामों का दौरा भी करना है, देख सकते हो कितना बड़ा काम है। मास्क तो खरीद सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यदि कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है तो उनके लिए मास्क और दस्ताने का इंतजाम तो होना चाहिए। वे कहते हैं कि जिलों में इतना बजट तो रहता कि मास्क और दस्ताने खरीदे जा सके, अफसरों को इसका इंतजाम करना चाहिए। अब अफसर कह रहे हैं, जब अफसर पकड़े जाते हैं तो कहते हैं इसका विभाग को जो सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी तक क्या करते थे, अभी तक आप लोगों ने क्या किया, इंतजाम क्यों नहीं किया। 14 तारीख से मैं चिल्ला रहा हूं, बराबर आवाज लगा रहा हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं यूट्यूब पर शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जो आंगनबाड़ी का पर्सनल आंगनबाड़ी की समस्याओं को उठा रहा हो, कोई नहीं होगा इस समय, मैं आप लोगों को खुल करके बता दूं, क्योंकि बहुत से वर्क है लोग जो आंगनबाड़ी की खबरें निकालते हैं लेकिन वो झूठ के बुनियाद पर होती हैं, कोई मानदेय बढ़ रहा है, कोई भर्ती निकाल रहा है, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे में आप सबको बताना चाहूंगा, आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं बस यही है कि इस समय जो भी आदेश निकलते हैं आंगनबाड़ी के ऊपर थोप दिए जाते हैं, अधिकारी से जब पूछा जाता तो कहते हैं हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यही एक समस्या बहुत बड़ी है, और आंगनबाड़ी वर्कर बहनों आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जान है तो जहान है, मैं बस इतना जानता हूं मोदी जी ने जो कहा है हमारे दिमाग में बस वही गूंजता है, और यही मेरे ख्याल से सभी के मन में भी गूंजना चाहिए। आगे आप लोगों को हम बस यही बताना चाहेंगे, मदद जिससे जो हो सकती है मदद करिए सरकार की, जैसे बहुत सी एक बहन का हमने दिखाया लेटर वगैरह, उन्होंने निकाला है कि पैसा एक महीने का दे रहे हैं, बहुत सी आंगनबाड़ी वर्कर एक एक दिन का दे रही है, तो जो जिसकी श्रद्धा है वो वैसे दे रहा है। और दान के लिए कभी भी जो है मजबूर किसी को नहीं किया जा सकता, स्वेच्छा से ही सब कुछ किया जाता है। आगे आप देख सकते हो हमारी एक बहन है, उन्होंने भी कुछ फोटो वगैरह भेजी है। अब यहां पर आप देख सकते हो घर में कुछ दूरी वगैरह बना करके रखे हैं और योग वगैरह किया जा रहा है, देख सकते हो योगा वगैरह भाई कर रहे हैं अपने घर में, जो उनके घर परिवार के सदस्य होंगे, बढ़िया दूरी मेंटेन करके रखे हुए हैं, और ऐसे में शरीर को भी फिट रखना है। घर में आप पड़े रहेंगे मान लीजिए 21 दिन, तो शायद शरीर जो है वो दर्द करने लगेगा या अन्य तरह का जो है आप लोगों को दिक्कत शारीरिक होने उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में योग भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए सभी उनके घर के सदस्य योग कर रहे हैं और बड़े भाई उनके घर के हैं, वो उनको सभी को सिखा रहे हैं। तो आप सब भी घर में कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस तरह की ये एक सीख ले लीजिए कि ये जो गोले बने हुए ना जिसमें लोग दूर दूर हैं, ये आप सभी को करना है, सामाजिक जो एक तरह की पारिवारिक डिस्टेंसिंग वगैरह बना करके रखनी है, आप लोगों को दूरी बना करके परिवार में रखनी। ये नहीं है कि घर में हो, एक घर का बंदा इधर उधर से आ रहा है, घूम करके आ रहा है,
कहीं राशन लेकर के यार आप सब चिपक चिपक करके बैठ रहे हो, तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा। आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक और तस्वीर वहीं से हमारे पास है और आगे आप लोगों को हम ले चलते हैं कल के अगले वीडियो में। और कल सुबह मिलेंगे आप सबको नई खबरों के साथ में। फिलहाल के लिए आज शाम की कुछ खबरें और कुछ आंगनबाड़ी वर्कर की सच्चाई आप लोगों को कैसी लगी। हमेशा आंगनबाड़ी की जो समस्याएं हैं उनको हम डेली वीडियो में उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी सरकार तक आंगनबाड़ी की आवाज ऑल इंडिया के माध्यम से पहुंचेगी और शायद आंगनबाड़ी बहनों के घरों में कुछ ना कुछ खुशियां आएंगी। और इसी उम्मीद के साथ पिछले 1.5 साल से मैं बराबर लगा हुआ ऑल इंडिया पर आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठाने में। धन्यवाद।